ओसीडी के सभी विचार बाहरी है या आंतरिक, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के जितने भी विचार है वह बाहरी है या आंतरिक, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओसीडी में क्या होता है कि ओसीडी के जो विचार होते हैं वह आपको बुरी तरह से परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। प्रत्येक ओसीडी के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग उनके क्राइटेरियाज होते हैं, उनको आपने बहुत पहले समझ लिया है। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि यह जो थॉट होते हैं ओसीडी के, यह बाहरी होते हैं या आंतरिक होते हैं, इनको समझते हैं। तो ओसीडी के जितने भी थॉट होते हैं ना, वह बाहरी थॉट होते हैं, आंतरिक नहीं होते। अब जो मैंने इसके अंदर बात बोली है ना, इससे आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। क्या? कि ओसीडी का जो थॉट होता है ना, वह थॉट हमारा नहीं होता, वह ओसीडी का थॉट होता है। ओसीडी के जितने भी थॉट होते हैं सारे बाहरी थॉट होते हैं, ठीक है। वर्तमान में जितने भी लोग ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं या कोई भी मानसिक समस्या से सफरिंग कर रहे हैं, उनके 90% विचार होते हैं वह गूगल और यूट्यूब से आए हुए होते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने गूगल पे सर्च किया है, यूट्यूब पे सर्च किया है, तो वहां से उनके सवाल बने हुए होते हैं। जेन्युइन उनके कोई सवाल नहीं होते, ठीक है ना, जो उनके खुद के पर्सनल सवालों और अंदर से निकले हों, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। सिर्फ उन्होंने वहां से उठाया होता है और वो उठा करके सीधा आगे देखते हैं उसको। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ओसीडी के जितने भी सवाल होते हैं ना, वह सारे सवाल बाहरी होते हैं, न कि आंतरिक होते हैं। आंतरिक सवाल कोई भी नहीं होता। आंतरिक अगर आपका सवाल होता है तो वह एक्चुअल प्रॉब्लम होता है आपकी। बाहरी जो सवाल है वह आपके ओसीडी के सवाल हैं, वह आपने बाहर से जानबूझ करके कहीं से अपना लिए हैं, अपने दिमाग में डाल लिए हैं। उन विचारों से छुटकारा पाना बहुत ही आपके लिए आसान होता है और वक्त के साथ साथ आप उनसे छुटकारा पा भी लेते हो, ठीक है। इस बात को आपने समझ लेना है। अब क्या होता है कि लोग इस निष्कर्ष को नहीं निकाल पाते कि ओसीडी का जो विचार है वह हमारा विचार है या ओसीडी का विचार है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, यह जानना ही क्यों है कि विचार आपका है या ओसीडी का है। विचार तो ओसीडी का है ना, ओसीडी का, इसीलिए तो आपको प्रताड़ित कर रहा है। अगर आपका खुद का होता तो आपको क्यों प्रताड़ित करता, नहीं करता ना। ओसीडी का विचार है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि ओसीडी का विचार है और वह आपको प्रताड़ित कर रहा है। ओसीडी के जितने भी विचार होते हैं सारे बाहरी होते हैं। जो बाहरी चीजें आपने देखी है, अपने व्यवहार पर लागू कर ली है, उनको देखने के बाद में आपने कुछ भी समझ लिया है, तो उस वजह से आपको इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलता। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ओसीडी के जितने भी विचार है ना, वो सारे विचार बाहरी होते हैं। बाहरी विचारों के कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बाहरी विचारों की वजह से आप क्या करते हो कि बाहरी विचारों को, अंदर का जो ढांचा है ना, उसको आप प्राथमिकता देने की कोशिश करते हो कि इससे मैं ये ऐसा कर लूं, तो फिर वो बाहर के विचार अंदर ऐसा है ना, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इस बात को समझ लेना है। तो ओसीडी के विचार होते हैं वह बाहरी विचार होते हैं, ठीक है। आंतरिक विचारों के साथ उसका विरोधाभास होता है और इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ओसीडी के जितने विचार होते हैं सारे बाहरी विचार होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, तालाब में पानी डालना, पानी डाला हुआ बाहर निकालना, डलने से रोकना, उसको सुखाना, ये एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दिया है, उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो आपने। उसके अंदर ये आपकी बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इन सब बातों को समझ लीजिए, आपको ओसीडी से बाहर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, आप ओसीडी से बाहर निकल सकते हो। आई होप आज की यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।